हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से और एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 10 Pro 5G के गेम स्पेस मोड के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलते हो तो कितने आपको गेमिंग फीचर्स मिलते हैं और साथ ही में वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया गया नहीं, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बता दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो गेम स्पेस मोड है ये आपको फ़ोन में ही मिलता है, अलग से आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। गेम्स का आपको एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन फ़ोन में ही दिया गया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको गेम का एप्लीकेशन मिलेगा, जिसे मैं इस पर टैप करके इसे ओपन करूँगा तो जो भी गेम्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। और अगर आपको गेम्स को ऐड करना है गेम स्पेस में तो ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ऐड गेम्स का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आप ऐड गेम्स पर क्लिक करके कोई भी गेम को आप गेम स्पेस में ऐड कर सकते हैं। और भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस ऑप्शन में आपको गेमिंग डेटा मिलता है जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कितने टाइम तक आपने कौन सी गेम खेली है। एंड आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, इसमें आपको गेम कैप्चर्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे अगर आपने गेम खेलते हुए कोई फोटोज़ या फिर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। तो ये हर गेम्स का डेटा होता है। साथ ही में यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप स्विच लेआउट भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे सारे आपको गेम स्पेस के सेटिंग्स दिखाई देंगे। जहाँ पे जनरल में ऑप्शन मिलता है गेम टूलकिट का, सेकेंड वाला ऑप्शन है मूव गेम आइकॉन्स टू गेम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी गेम्स आइकॉन होते हैं होम स्क्रीन पे, जस्ट आप इसे इनेबल करोगे तो कुछ भी गेम स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियोस का ऑप्शन है, अपडेट सेटिंग है, डू नॉट डिस्टर्ब में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आंसर कॉल्स ऑन स्पीकर, नोटिफिकेशन स्टाइल है जहाँ पे आप गेम खेलते हुए कैसे आपको नोटिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, जब आप गेम खेलते हो तो जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी अगर आप लॉक का इनेबल करते हो। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग का ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, गेम फोकस मोड भी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि गेम खेलते हुए आपको कितने फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने गेम को ओपन कर लिया है। गेम स्पेस मोड को ऑन करने के लिए आपको फोन के राइट से ऐसे स्वाइप लेफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे गेम स्पेस मोड ऑन हो चुका है। ऊपर आप देखिए आपको यहाँ पे टाइमिंग शो होगी, साथ ही में सेंटर में टेम्परेचर है एंड उसी के राइट साइड में बैटरी परसेंटेज शो करेगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे देखोगे तो सारे गेमिंग फीचर्स है, जहाँ पे यहाँ पे आपको व्हाट्सअप मैसेंजर डिस्कॉर्ड का ऑप्शन है। मीन्स अगर आपने फोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है तो जस्ट आप टैप करके मल्टी विंडो की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब गेम खेलते हुए आप एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल होने पड़ेंगे। नीचे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए खेल रहे हो या लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लो पावर मोड है, अगर फोन की बैटरी लो है तो आप लो पावर मोड पे सेट करके खेल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल गेम प्ले करो मीन्स 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स, तो आप बैलेंस मोड पे खेल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खेल रहे हो तो आप प्रो गेमर मोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस सेटिंग आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के राइट साइड में आपको गेम फोकस मोड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप टोटली सिर्फ गेम पे ही फोकस करना चाहते हो, कोई भी आपको इनकमिंग कॉल या फिर नोटिफिकेशन कोई भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक गेम टूल किट गेस्चर है, क्विक सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन है, ब्लॉक कॉल्स है और अलार्म्स है। सिर्फ आप अगर आप गेम पे ही फोकस कर रहे हो और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप गेम फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं। उसी के राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं नोटिफिकेशन स्टाइल के। फर्स्ट है ब्लॉक, कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। सेकेंड है बुलेट नोटिफिकेशन एंड हेडसअप नोटिफिकेशन। तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन स्टाइल है। एंड उसी के राइट साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं टैप करके। टच ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है राइट साइड में, ऑटोमेटिकली एडजस्ट, जो कि इस गेम के लिए ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर नीचे आपको सिस्टम स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप BGMI जैसे या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हो तो यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। यहाँ पे जैसे मैं वॉइस चेंजर पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे 5 टाइप्स के डिफरेंट वॉइस ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नाइट का ऑप्शन है, किड, एलियन, रोबोकॉप एंड यहाँ पे जेंट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
वॉइस चेंजर के बाद में आपको राइट साइड में ओरिएंटेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप टैप करके ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हैं। फिर उसी के राइट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप क्लिक करके सारे फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इतने ही फीचर्स थे, थोड़ा अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप लो, हाई, मीडियम आपके हिसाब से यहाँ पे ब्राइटनेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको Realme 10 Pro 5G के गेम स्पेस मोड के बारे में बताया, सभी गेमिंग फीचर्स है। आपको इसमें फ्लोटिंग एप्स का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप गेम खेलते हुए एप्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही में थैंकफुली वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आप आवाज बदल के बात कर सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। काफी सारे फीचर्स है, रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और फीचर्स मुझे गेम स्पेस के इसमें बहुत ही अच्छे लगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।